Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Hare Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Hari Go Hari Go Hari Go Hari Go Hari Go Hari Go Hare तो विषय आप सबको पता है आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और इसको हम बहुलाष्टमी करके मानते हैं और अनेक संख्या में लोग राधा कुंड में स्नान करने के लिए जाते हैं और ये माना जाता है कि राधा कुंड के आविर्भाव तिथि है। तो यद्यपि इसके पीछे रहस्य है आविर्भाव कैसे हुआ, लेकिन फिर भी भगवान के लिए कुछ असंभव संभव नहीं है। तो राधा कुंड का आविर्भाव बहुलाष्टमी, जो बहुलाष्टमी का नाम इसलिए पड़ता है, ब्रजमंडल में जो द्वादश वन है जहां भगवान ने लीला किए थे, 12 वन है, इनमें से एक वन का नाम है बहुला वन। राधा कुंड श्याम कुंड बहुला वन के अंतर्गत है, बहुला वन के अंदर आता है। तो इसी बहुला वन में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके लिए बहुला वन प्रसिद्ध है। आप लोग शायद गए भी नहीं होंगे बहुला वन। तो किसको आपको पता है वृंदावन में जो द्वादश कानन जहां सब लीला कैलासी नंदन नंदन, ये द्वादश वन का नाम पता है? कौन सा नहीं पता होगा ना, वृंदावन में आते हैं। वृंदावन तो एक ही वन है, ब्रजमंडल में द्वादश वन है। मैं उस दिन बताया था, कल नंबर आप लोग ही बताया था ना, जमुना जी के पूर्व तट पर 5 वन है, पश्चिम तट पर 7 वन है, टोटल 12 वन है जहाँ भगवान ने अपने लीला किए थे वृंदावन ये ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल में ये वृंदावन तो एक ही वन है, इससे अलावा जैसे जमुना जी के वृंदावन पश्चिम तट पर है, वृंदावन है। हम जो ब्रजमंडल परिक्रमा होता ना, परिक्रमा में शुरुआत कर ये नियम है, मथुरा के विश्राम घाट है वहीं से स्नान करना होगा, संकल्प करना होगा, संकल्प करके पद ब्रज में ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू होगा, वही संकल्प करके मथुरा से सीधा प्रथम वन जाएंगे मधुबन। याद रखना, प्रथम वन कहाँ जाएंगे? मधुबन जाएंगे। मधुबन में जानते हैं क्या विशेषता था? मधुरा कैसे ध्रुव टीला, ध्रुव जी की तपस्थली, ध्रुव तपस्थली मधुबन, जानते ना ध्रुव जी? हाँ, भगवान आके दर्शन दिए थे ध्रुव तपस्थली। तो
मधुवन के बाद दूसरा वन जाते हैं तालवन। तालवन को पता है क्या विशेष लीला होता तालवन में? गधासुर, धनुकासुर जो गधा के रूप में था, है ना। गधा कभी मांस मछली मांस नहीं खाता ना, गधा घास फूस खाता है, लेकिन ये जो गधा था वो मनुष्य प्राणी खा जाता था पकड़, क्योंकि असुर था, रूप था गधा का लेकिन था असुर, सबको पकड़ खा जाता था। वो धनुकासुर था अपने परिवार में, ताड़वन था, वहाँ बलराम जी ने वध किए थे उसका। तो ये दूसरा वन है, प्रथम मधुवन, फिर तालवन से घूमकर कुमुद वन आते हैं। हाँ, कुमुद वन में बिंदु सरोवर है, कपिलाश्रम है, कुमुद कुंड है, कुमुद बिहारी भगवान है। तो तीसरा वन है, कुमुद वन से चौथा वन जाते हैं बहुला वन। तो बहुला वन जाएंगे, बहुला वन में बहुला बिहारी भगवान है, उसी का अंतर्गत राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन के हाफ पार्ट बहुला वन में आता है। यहाँ एक विशेष घटना हुआ था बहुला वन में। एक समय था, एक गाय रहती थी, एक ब्राह्मण परिवार था, उनका एक गाय था ब्राह्मण के घर में, तो गाय का नाम था बहुला, बहुला गाय। तो उनका बछड़ा था, तो गाय अपने जंगल में चर करके वापस आते समय एक कुंड है, कुंड में पानी पी रहा था, तो एक शेर आकर के उसको खाने के लिए आया, झपटा उनको। तो गाय ने शेर को बोला, शेर भी बात कर सकता है, गाय भी बात कर सकता था, सत्ययुग का घटना है। तो उनको बताया कि शेर जी मुझे छोड़ दीजिए, मन मत खाइए, नारे मैं भूखा हूँ, तू मेरा लंच है, मैं किसे छोड़ दूँ। तो बोले, गाय ने बोला ठीक है, बोला मेरा धर्म, मैं भोजन करूँ, भूखा थोड़ी ना रहूंगा, अब तू सामने है, मैं देखता हूँ, ठंडा है ऊपर बैठे, नहीं तो बिछा दे। तो उन्होंने, गाय ने बोला ठीक है, आप मुझे खा सकते हैं, मैं मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक बछड़ा है छोटा है, वो घास नहीं खा पाता, वो मेरे दूध से अभी पलित होता है, तो मैं उसको दूध पिलाकर आ जाता हूँ, आ जाती हूँ, तो मुझे फिर खा लेना, कम से कम आज सुबह से मैं चरने गया था, वेट करके बैठा होगा, सुबह से दूध नहीं पिया, भूखा होगा, मुझे बहुत दुख होता, मैं दूध पिला के आ जाता हूँ, ठीक है आज कम से कम दूध तो पिला दो और मुझे फिर खा लेना। शेर छोड़ेगा? शेर बोला है क्या बात कर रहे हो। तो लेकिन इतने कन्विंसिंग उन्होंने बोला, वो गाय ने इतने कन्विंस करके, शपथ करके गाय शेर के सामने बोला, शेर भी मान गया, बोला देखो मैं तुम विश्वास करता हूँ, आपको आपकी बात को विश्वास करता हूँ, आप धर्म को साखी देकर के मुझे बोलता है कि आप जरूर अपने बछड़ा को दूध पिलाकर वापस आ जाएगा, मेरा भोजन बनने के लिए ना अवश्य ही आऊँ, मेरे जीवन के लिए मुझे उत्सर्ग करने नहीं, मैं केवल बछड़ा के प्रेम में उसको दूध पिला कर आ जाता हूँ। लास्ट फाइनल उनको जो भी दूध पिला करके, जो भी उनको बछलता जो स्नेह दे करके वापस आ जाए, मुझे खा लेना। तो एग्रीमेंट में शेर राजी हो गया, उसको छोड़ दिया। तो गाय ने दुखी होकर के वापस आया अपने घर में, अब जानता है कि आज उसका लास्ट डे है, आज उनके छोटी सी एक बछड़ा है, एकलौता बेटा, और उसको आज ही केवल लास्ट भोजन करा के दूध पिला करके वो जाएगा मरने के लिए। तो आकर के दूध पिला रहा था, वो दुखी था, आंख से आंसू निकल रहा था। तो बछड़ा ने दूध पूछा, बोला मैया आप रोती क्यों? बछड़ा भी बात किया, तो मैया ने बोला बेटा क्या बताऊं, छोड़ो तो दूध पी ले। नहीं नहीं नहीं, मैं दूध किसी पीऊंगा, तो रो रही है इतने, क्या हो गया आज से, मैं कभी ऐसा नहीं देखा था ना बेटा, ये दूध आज से लास्ट पिला रहा हूँ, मुझे दूध पी लो, पेट भर के मैं जा रहा हूँ, मुझे शेर बैठा है खाने के लिए। क्या आपको शेर खा जाएगा? तो मर जाओगे ना। हाँ शेर खा जाएगा, मैं कंडीशन करके आया हूँ, तुझे केवल दूध पिलाने के लिए आया ना, तो मैं शेर खा जाता। तो दूध पीना छोड़ दिया बछड़ा, बोला मैया तुम दुख मत करो, मैं जा रहा हूँ, मुझे शेर खा लेगा। बोला बेटा क्यों? मतलब मैं मर जाने दो, तेरा और एक बेटा हो सकता है, तू मर जाएगा तो और बेटा नहीं होगा, मेरा क्या होगा, मैं तो इसी भूखा मर जाऊंगा, मैं तो घास खा ही नहीं सकता।
मैं मर जाऊंगा और कोई नहीं रहेगा, तो मैं मनुष्य मुझे बाघ खा जाए तो दूसरे बच्चा होगा, चल सकता है उसमें, बाघ को तो भोजन चाहिए, कोई एक लंच चाहिए तो मैं चलता हूँ। तो दोनों का युक्ति चल रहा था। माँ बोलता है बेटा ना मैं जा रहा हूँ, तुझे कैसे मैं मृत्यु को मैं भेज सकता हूँ। बेटा बोलता नहीं माँ आप, मैं जाता हूँ। जब दोनों मरने के लिए तैयार रहते हैं होते हैं, तो उनके जो मालिक ब्राह्मण जो था वो सुन रहा था करके अंदर कि मेरे जो पालित गाय है वो भी अपने शेर खाने के लिए वो भी मरना चाहता है, और उसका बदले उनका बेटा भी मरना चाहता है। तो इस स्थिति से वो ब्राह्मण को वो घर में लंच ले रहा था, वो उनका भोजन रुक गया क्योंकि शाम के समय था ना, शाम को जा रहा था। वो वापस आ करके उनको बड़ा दुख लगा करके बोला कि नहीं आप दोनों ही मत जाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका आपका बेहतर हो, आपके छोटा बछड़ा है बछड़ा भी दुखी हो, आप दोनों ही गो बछड़ा बच जाओ, मैं जाता हूँ, मेरे तो परिवार भी है बेटे है, कोई बात नहीं, मैं तो वृद्ध भी हो चुका हूँ, मुझे इसे मरना था, सिर खा जाए कम से आप दोनों तो बच जाएंगे, आप दोनों के जीवन रक्षा करने के लिए मैं मेरे जीवन को उत्सर्ग करना चाहता हूँ। वो बोले अरे आप हमारा मालिक है, ब्राह्मण है, हम कैसे आपको मानने देंगे हमारा वजह से, कंडीशन तो बात शहर का मेरे साथ हुआ था। बोले नहीं नहीं जो भी हो मैं गोहत्या नहीं करने दूँ, आप मेरे पालित पशु हैं, पशुओं का विपद मेरे ऊपर है, मैं गृह मालिक हूँ, मेरे ऊपर होना चाहिए। तो अभी हो गया तीनों ही जिद कर रहे मरने के लिए, एक दूसरे के मरने के लिए, देखिए कितना भावना है, दूसरे के जीवन बचाने के लिए स्वयं मरना चाहते हैं, तीनों तैयार है, बछड़ा भी मरना चाहते हैं दूसरे को बचाने के लिए, वो मरना चाहते हैं, वो भी मरना चाहते, जो भी तीनों जो मरना चाहते हैं। तो ऐसे तीनों में फिर फाइनल कुछ नहीं हो पाया, तीनों ही गए, बोले चलो हम तीनों ही गए शेर के पास। शेर देखे बोले हम, बोले आप डिसाइड करो, हम तीनों तैयार हैं, किसको मर्जी खाओ, हम जीना नहीं चाहते हैं, मैं चाहता हूँ मैं मर के इन दोनों को बचाऊं, ये बोलता मैं मर के उन दोनों को बचाऊं, ये बोलता मैं मर के दोनों को बचाऊं। शेर इन तीनों के बात सुन करके बोला गजब का बात, मैं तो सोच रहा था कोई राजी नहीं, तीनों को तीनों राजी होते हैं। तो इस प्रकार के उनका जो शेर के सामने तीनों मरने के लिए तैयार, शेर भी आश्वस्त होना था, इस समय में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए क्योंकि चिन्ह स्थान था, तो प्रकट होकर के फिर उनको वरदान दिए। तो तीनों शेर किसी को नहीं खाया, शेर की मुक्ति हो गया और इन दोनों का भी गति प्राप्त हुआ। तो इसलिए तीनों प्रार्थना किए मिल करके, तो वहाँ भगवान उसी कुंड के तट पर बहुला बिहारी बहुला गाय के कारण भगवान प्रकट हुए, उनका इतादृश दूसरे को बचाने के लिए जो भावना, परोपकार की भावना और उनके इस प्रकार के धर्मनिष्ठा के कारण भगवान प्रकट हुए थे। तो अभी भी वो भगवान है कुंड के पास में, बहुला कुंड के पास में, बहुला बिहारी कृष्ण कुंड है, बहुला बिहारी भगवान है, और उस मंदिर में जो विग्रह है भगवान कृष्ण है, उनके पास में गाय, एक ब्राह्मण और गाय के बछड़ा और शेर, वही पूजा होता है, उनके आरती होता है। एक घंटा एक हुआ था वो, आप जाएंगे बाटी ग्राम, जो आप छटिकरा से मथुरा बाईपास रोड जो जाते हैं ना, जहाँ पहले रेलवे ब्रिज होता है, वो ब्रिज से नीचे उतरेंगे, वही है बहुला बाटी ग्राम, उसका वर्तमान का नाम बाटी ग्राम है, वही बहुला वन, वही ये विग्रह दर्शन कर सकते हैं। ये है चौथा वन, भोला वन से फिर जाते हैं परिक्रमा, राधा कुंड स्नान करते हैं, गोधन परिक्रमा करते हैं, फिर वहां से जाते हैं डिग होते हुए काम्य वन, जो आप कल गए थे, वो कौन सा वन हुआ, कितना नंबर हो गया, काम्य वन। काम्य वन से फिर एक दो दिन रुकते हैं, दर्शन करते हैं, कल आप दर्शन करके आए कितने दर्शनीय स्थान है। काम्य वन से फिर आते हैं बरसाना, नंदग्राम, ये सब आता है वृंदावन में। काम अनुवाद क्या होगा, वृंदावन, वृंदावन आ गया, वो क्वेश्चन कितना नंबर हो गया, छठा। अब नंदगांव बरसाना से वृंदावन का आया, वृंदावन 16 कोश में एक पार्ट में रहते हैं, पंचकोशी वृंदावन है लेकिन 16 कोश है, नंदगांव बरसाना भी वृंदावन है। तो वहां से नंदगांव से आगे आते हैं आप लोग तो करने जो गाड़ी में आए, एक आता है खदीरवन, वर्तमान नाम उसका खैरा है, जहाँ बकासुर बदलीला हुआ था,
वृंदावन का तो पता है क्या क्या लीला हुआ, वृंदावन प्रसिद्ध है, दास लीला है वृंदावन। तो सात हो गया ना, ये सात मुख्य वन है, ये जमुना जी के इस तरफ पश्चिम दिशा पर, और फिर कोसी जा करके जमुना पार करते हैं। जमुना पार करने से सबसे पहला वन है भद्र वन, कितना नंबर हुआ, भद्र वन, जमुना के उस तरफ का पहला वन है। भद्र वन के बाद जाएंगे भंडीर वन, आप लोग आज भंडीर वन कल जाने वाले थे गए नहीं, भंडीर वट है, भंडीर वन, बेल वन, भंडीर वन कितना नंबर हो गया, नौ, भंडीर वन से बेल वन, वहां लक्ष्मी देवी के मंदिर है, बेल वन कितना हो गया, बेल वन से जाएंगे लोह वन, लोह जाएंगे भगवान है, लोह वन कितना हो गया, और उसके बाद आएंगे महावन, जो पहले दिन आप गए थे ना गोकुल महावन, वो महावन है जहाँ दाऊ जी अगर है चिंता, बारह हो गया ना, तो ये द्वादश वन है, याद रखना आप लोग। अरे ये तो सिर्फ वृंदावन के एक छोटा छोटा ये झोपड़ी एक एक पार्ट है, सब वन नहीं है, बारह वन है, तो ही द्वादश कानन है। तो उसमें से बहुला वन में ये घटना हुआ था, इस बहुला वन के अंतर्गत राधा कुंड आता है, तो इसलिए राधा कुंड के स्थान का महिमा, जहां तक राधा कुंड के आविर्भाव की तिथि की बात है, भागवत में वर्णन है राधा कुंड के आविर्भाव की घटना की, अरिष्टासुर के वध किए थे भगवान ने, अरिष्टासुर को वध करने के बाद जो भगवान ने लीलाएं की, अरिष्टासुर को वध किए, उसके बाद में गोपियों से मिलने आए, और गोपियों ने उनसे मिलना मना किए और बोले कि अब गो हत्या का दोष लगा आपको, तो आपको प्रायश्चित करना होगा गो हत्या का प्रायश्चित, तो इसलिए फिर भगवान ने उन बुला करके, ये हम पढ़ करके सुनाएंगे भागवत से, लेकिन ये हुआ था फाल्गुन महीना में, फाल्गुन में, फाल्गुन चैत्र में अरिष्टासुर वध किए थे, और उसी रात को भगवान ने श्याम कुंड बनाए, राधा कुंड विश्व बना, लेकिन कार्तिक तो था नहीं। अब कहा नहीं जा सकता, चिर काल से मैंने कई समय से, बहुत पुराना समय से लोगों का मान्यता है कि राधा कुंड के आविर्भाव तिथि है बहुलाष्टमी, तो लोग स्नान करते हैं। तो वो कैसे हुआ, अरिष्टासुर के साथ संबंध, अरिष्टासुर के बद्ध के कारण भगवान ने एक कुंड बनाए, ये हमने पढ़ के आपको सुनाएंगे भागवत में वर्णन है उसका, अरिष्टासुर बद्ध दूसरे समय में हुआ था, वो कैसे हुआ, कई बता रहे हैं कुछ लोग की नहीं नहीं वो तो चैत्र में हुआ था, फाल्गुन चैत्र में भगवान बना था, लेकिन वो फिर लुप्त हो गया था भगवान चले जाने के बाद, तो श्री चैतन्य महाप्रभु आ करके उसको ढूंढ के निकाले, कोई नहीं ढूंढ पाता था, राधा कुंड श्याम कुंड गोरी खेत श्यामा खेत करके दो खेती था, भगवान चैतन्य महाप्रभु आकर के डिस्कवर किए, बोले ओ बहुलाष्टमी दिन किए थे वो, उनका अपीयरेंस डे माना जाता है, लेकिन महाप्रभु तो वृंदावन आए मार्गशीर मास में, वो तो कार्तिक में आए नहीं थे, वो कैसे हुआ, तो अभी भी रहस्यमय है कैसे। मैं एक पंचांग में पढ़ा था कि वो बहुलाष्टमी को बहुलाष्टमी ना करके, वहाँ पुराना पंचांग में ब्रज में उनको अहोई अष्टमी कहते हैं, नाम कभी जो पुराना ब्रजवासी वो जानते हैं, अहोई अष्टमी। हाँ, और अब राधा कुंड के पास में एक मंदिर है, आप वो तो मैं दिखा देता, हम दर्शन किए हैं, बड़े बड़ा प्रसिद्ध मंदिर बनाते हैं, यहाँ लोकल लोग सब जाते हैं पूजा करने के, उनको अहोई देवी बोलते हैं, अहोई देवी वो मंदिर है, राधा कुंड स्नान जब उठेंगे अहोई देवी के मंदिर है, और कोई नहीं जानते अहोई देवी कौन है, हम पुराना जमाने से हमारे पुरखा दादा पर दादा के जमाने से अहोई देवी यहाँ की क्षेत्रपालिका है, वहीं पूजा करते हैं, वो कौन है क्या है कोई नहीं जानते, पूछते हैं बस लोग, यहाँ लोकल लोग नहीं जानते अहोई देवी कौन है, तो पंजीकावन जो पुराना पंचावन देखा था अहोई देवी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा था, बोलते अहोई देवी, अहोई शब्द का अर्थ है अनहोनी, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, उसको ब्रजभाष तो क्लियर नहीं बोल पाते ना सब अनपढ़ लोग, तो अहोई बोलते हैं, ग्वाला तो है अनहोनी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे देवी, ऐसे देवी हो ही नहीं सकता अनहोनी, तो उसको अहोई,
ओही देवी, ओही देवी बोलते हैं। तो उसमें लिखे है कि ऐसे देवी कोई हो ही नहीं सकता, वो देवी कौन है, वही देवी श्री राधिका कि है। कोई मनुष्य, कोई देवी, कोई दानवी नहीं थी, वो तो साक्षात श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति की स्वरूप थी। तो इसलिए उस देवी को जो प्रकट हुई थी तो बोलते हैं कि ये अनहोनी देवी, ऐसी देवी तो कभी ना हुआ ना हो सकता ना हो अनहोनी, तो अहोई देवी करके बोलते हैं। ओ आजकल के तो कोई नहीं जानता अहोई क्या अर्थ है, लेकिन असली अर्थ है ये देवी जो कभी ना भूत ना हो सकती, को हो ही नहीं सकती है ऐसी देवी, ना एक कोई मानवी है, ना देवी है, ना दानवी है, गांधर्वी है, कुछ नहीं है, ये तो साक्षात भगवान की चिन्मय शक्ति की प्रकाश। तो अहोई देवी तो वो आविर्भाव हुई थी, वो मंदिर राधा कुंड के पास क्षेत्रपाली के रूप में है, लेकिन लोग नहीं जानते, पर उन्हीं के कुंड के कारण अहोई अष्टमी इसको बोलते हैं। वो शायद प्रकट हुई थी अहोई अष्टमी आज के कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन, उनको इसलिए माना जाता है कुंड का अपीयरेंस डे, उनके लिए उनका कुंड के कारण। तो ये रहस्यात्मक है, जो भी हो एक विशेष तिथि है आज के दिन, और अनेक लोग आजकल तब देखते हैं हमारा कैलेंडर में लिखा रहता था अपीयरेंस ऑफ राधा कृष्ण, वैष्णव कैलेंडर में लिखा रहता था, आज शायद आजकल भी लिखा रहता है ना, चेंज किए, अभी भी लिखा है, लेकिन अभी शायद अगले दो साल में दो तीन साल चेंज शायद कर देंगे, क्योंकि अभी आ गया कि नहीं नहीं ये तो चैत्र में हुआ था, वो कैसे हो सकता है। तो जो भी हो, लेकिन ये तो निश्चित है कि राधा कुंड का जो आविर्भाव हुआ था, राधा कुंड जो था, कुंड कैसे बना, कि राधा कुंड बनने का कारण यही था कि कृष्ण कुंड बना, वो कंपटीशन में कृष्ण अपना कुंड बनाए, बोले हम भी बनाएंगे, तो राधारानी एंड ग्रुप उनके पार्टी के लोग थे, वो भी बोले हम भी बनाएंगे, आप अकेले, हम आपके कुंड में नहीं जाएंगे, हम अपना बनाएंगे, है ना, मानी तो भाई मान कर, बोला हम क्यों आपका पास आएंगे, हम अपना नहीं करेंगे क्या। और उनका पास करोड़ों संख्या में गोपी थी, बोले हमारा ग्रुप आपसे बड़ा है, हम बनाएंगे। तो क्यों कृष्ण को कुंड बनाना पड़ा, उसके पीछे कारण है कि एक अरिष्टासुर को बद्ध किया। अरिष्टासुर बद्ध का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन करते हैं। ये अरिष्टा का अर्थ जानते ना, अरिष्ट मतलब अमंगल ग्रह बोलते ना, अरिष्ट आ गया, अरिष्ट हो गया, तो ये महा अमंगल असुर था, ये मंगल का भाई, ये भूमिपुत्र था अरिष्ट, वो अरिष्ट असुर, नाम ही उनका अरिष्ट था, अनर्थ असुर था, लेकिन उसका रूप धारण किया था एक बैल का, बैल मतलब सांड का, सांड समझते ना आप, बैल बोलते ना, सांड बोलते हैं, सांड बोलते, सांड अलग बैल अलग, ये बात कौन बोला, आप बोला ना, हाँ ओडिशा वाला, हाँ वही जानते, बाकी हिंदी वाले नहीं बोलेंगे बात, लेकिन हिंदी में नहीं बोलेंगे, ऐसा एक ही बोलेंगे ना, हम जानते लेकिन उसमें अंतर क्या पता है, सांड को कभी हल में जोत सकते हैं है ना नहीं तो जो भी हो उसको बल, वो बल नहीं था, वो सांड था, वो अरिष्ट था, वो वृषभ, वृषभ के रूप में था। तो वो वृषभ ने इतने भयानक वृषभ का रूप धारण करके रखता था, जिनको देख करके देवता भी डरते थे, अरिष्टासुर को देवता भी डरते थे, अरे बाप रे बाप, इतने विशाल। और उसका सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अरिष्टासुर कंस का फ्रेंड था, उनके साथ आया था, कंस ने उनको जीत करके लाया था अपने पास, वो जब इतने बड़ा सेंड था, सांड था, तो उनका जो ककुद होता ना ऊपर में, कुबड़ बोलते हैं उसको, ककुद होता है, तो बादल आके टिक जाते थे उनसे, मेघ समझता था ये इतना बड़ा पर्वत है, समझ लीजिए आकाश में बादल उनके ऊपर टिक जाते थे ककुद में, और इतने विशाल, ऐसे अनुमान कर लो कि इतने बड़े साइज होगा, पर्वताकार था ये, इतने भयानक आंखें था और इतने तीखा सिंह था, बड़े भयानक था। और कंस ने
मैं बोला बहुत टेंशन में था, क्योंकि जितने असुर भेजता था कोई उनका वारंट रिटर्न कंफर्म नहीं होता था, और उनको इतना सीधी बात नहीं समझ में आ रहा था कि कोई भी असुर ब्रज में जाए उनका असुरपन रह ही नहीं सकता। ब्रज में भगवान के पास जाए असुरता कैसे रहेगा, खत्म हो जाएगा। और वो उनको सीधी बात समझ में नहीं आती, ये असुर सब उधार हो जाते हैं, वापस क्यों जाएंगे, उनको असुर जोनी से वो जोनी से प्राणी से खत्म हो गए तो गए नित्य धाम में, तो उनको कंस को समझ में नहीं आ रहा था। तो बेचारा भेजते जा रहा था तो कोई सक्सेस नहीं हो रहे थे, इसलिए बहुत टेंशन में बैठा था अरिष्ट ने। इसलिए अरिष्ट के बाद में नारद जी फिर आए कंस के पास, और कंस फिर डिसीजन चेंज करेगा। तो अरिष्ट कंस के भेजने के असुर में सबसे लास्ट फाइनल असुर है, वही रिष्ट कट गया। तो फिर ब्रज में फिर असुर नहीं आए, क्योंकि भगवान फिर उसके बाद जाएंगे मथुरा। अरिष्ट फाइनल असुर था मथुरा जाने से पहले, कैसी अरिष्ट कैसी यही दोनों थे, इसके बाद में गए। तो अरिष्ट आकर के खुद आके कंस को बोला कि माय डियर फ्रेंड, आप इतना क्यों टेंशन में हो। वो स्वयं आकर बोला ये सब ऐसे कर रहे हैं, मुझे चांस देकर देखो। वो कंस नहीं बताता कि आप जाओ करके, वो बोला कि मैं खुद जा रहा हूँ, अपने ओर से उन्होंने योजना बनाया। तो बोला मुझे सब पता लगा हूँ, कौन कैसे किसे क्या क्या किया, मैंने जा रहा हूँ, और मैं अब आप मेरे बल जाके कैसे करके। तो उन्होंने स्वयं अपना डिसाइड करके ब्रज में आया, और अपने टाइम उन्होंने चुना, उन्होंने डिसाइड किया, बोला मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। वो जानता था कि रात में असुरों के बल बढ़ता है, जानते ना, रात में असुर बल बढ़ता है। तो उन्होंने निषेध किया कि उस समय जाऊं, सारे दिन रात होगा, फाइटिंग रात में करूंगा। तो शाम के समय आया, सूर्यास्त के बराबर समय में, जो गाय से वापस आ गए थे गोचारण से, गोष्ट में जाकर उनका दूध निकाल, बिल्कुल शाम के समय, शाम होते होते वो आके पहुंचा। अब सब गाय गोदहन हो रहा था, घर में कोई नहीं थी, सो गोप सब गाय दहन कर रहे थे, और जो कृष्ण बलराम और बालक सब जो गोचारण में गए थे वो सब कपड़ा वड़ा चेंज कर हाथ पर धो करके डिनर करने जा रहे थे। शाम को खाते ना आप लोग 8 बजे 7 बजे, तो बच्चे लोग थोड़ा जल्दी खाकर सो जाएंगे, फिर सुबह गाय लेकर जाना होता है। तो वो ब्यालू करना जाते, अपने डिनर करना जा रहे थे, सब ना धो करके खाना जा रहे थे। इसी समय में वो पहुंचा, और इतने खतरनाक था वो पहुंच करके, ब्रज का जो नंद भवन का आउटस्कर्ट जो परिखा है, जो दीवार बाउंड्री वाल है, इतने गुस्से में आकर के उनका जो तीखा सिंग है ऐसे आकर मुंह नीचे करके, कहते सांड का जो आवाज होता ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में, चिंघाड़ना, चिंघाड़ना, वो तो हाथी चिंघाड़ता है, सांड सांड के आवाज को क्या बोलते हैं आप लोग, चिंगाड़ बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है। तो सांड का ऐसे भयानक आवाज करके आ करके इसे अपने पैर जो आगे वाला पैर से मिट्टी कुदरने लगा, खोदने लगा, और सींग से भी मिट्टी खोदने लगा, वो बाउंड्री वाल को तोड़ डाला, सींग तोड़ डाला, इतने बलशाली था, तोड़ करके दीवार तोड़ के अंदर आ गया, आ करके सीधा गोष्ठ में चला गया। गोष्ठ में सब गाय दूध दुहन हो रहा था, और ऐसे भयानक आवाज किया निशिधन जो सन्न किया, वो जितने गाय थे सब अरगड़ा तोड़ करके, रस्सी अपने जो बांध से तोड़ ताड़ करके चिल्ला कर भागने लगे इधर सब पशु पक्षी, इतने जोर से आवाज कर रहा था। और सांड है और किसी को भी ऊपर आक्रमण करके किसी को मार देना, किसी इतने भयानक आवाज कर रहा था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो गर्भवती गाय थी, कई गाँव के गर्भपात हो गया, केवल गाय नहीं गोपियों का भी, जब कई महीने के 5 महीने 6 महीने से गर्भवती स्त्रियां थी, सबके गर्भपात हो गया, इतने जोर से आवाज कर रहा था। और इस प्रकार से कई गाय बैल बछड़े मार मुर करके तोड़ करके घमासान किया, सब गोप ने चिल्लाने लगे, अरे तो इतने बड़ा बैल एवं सांड है, तो असुर है, असुर आ गया, असुर आ गया, सब भाग दौड़े। अब बच्चे सब खा रहे थे और सब गाय भाग रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, दूध के बर्तन फेंक करके क्या करें किधर करें, अंधकार के समय
और उनका आंख लाल लाल पूरा जल रहा है, और इतने संख्या में गाय बोलते गाय जंगल को भेज दो, इधर करो और करो, सभी चिल्ला रहे हैं। गाय भी खूब करुण स्वर से चित्कार कर रहे हैं, बछड़े भी चिल्ला रहे हैं, कोई मर रहे हैं। इस अवस्था में बाकी जो गोप थे कृष्ण को, कृष्ण कृष्ण बचाओ बचाओ, ये असुर कहाँ से आ गया, सांड आ गया इसे, तो कृष्ण अभी बैठे थे खाने के लिए, शुरू ही किए नहीं थे, डिनर शुरू करने जा रहे थे, जब आवाज सुने तब निकल के आग देखे, देखे कि कई उनके बालक गोप बालक सब आकर के देखे, तटस्थ को देखने क्या करें क्या करें। यद्यपि उन्होंने सालों से गाय बैल चरा रहे हैं, लेकिन ये जो बैल सांड था ये तो कुछ खतरनाक था, क्या करें कैसे करेंगे। तो कृष्ण आकर देखे, दाऊजी भी साथ में, लंच डिनर आगे बाहर आकर के तुरंत बोले अभी आ रहा हूँ, डरो मत मैं आ रहा हूँ। कृष्ण ने बाहर निकले अपने घर से, जसोदा माँ चिल्लाई, नीलमणि मत जा, अरे कम से कम डिनर करके तो जा, दिन भर चल के कहाँ जंगल में घूम घूम कर आया, शाम को थोड़ा खाना था, कहाँ उठ कर चला गया। मैया मैं अभी आता हूँ, उनको बोल दे अभी आता हूँ, और मैया आता है तो निकल गए। अब जा करके देखे कि इतने सब गाय बहल किधर जाएंगे, रास्ता बंद पड़ा है, भीड़ बिल्कुल जम गया है, कोई रास्ता बंद है, और इधर कईयों को मारता है, कोई भाग दौड़ धूल उड़ रहा है, बड़े स्थिति बिल्कुल इस प्रकार से चिल्ला रहे हैं सब। तो हवा ने जा करके उसको चिल्लाया, उसको सामने देखे वो गर्जना कर रहा था, ऐसे फुतकार कर रहा था, मुंह से बिल्कुल बहुत जोर से सांस ले रहा था, ऐसे धूल उड़ा रहा था, अपने पोज दिखा रहा था। भगवान जा करके सुबल के कंधे पर बाएं हाथ करके खड़े हो गए अपने पोज में, बोलने लगे अरे दुष्ट कहीं के मूर्ख, तू ये निरीह पशुओं को गायों को इसने सब कष्ट दे रहा है, मार रहा है, सुनकर अगर तेरा पास ताकत है तो मेरे सामने आ, मैं तुझे देखने के लिए आया हूँ, तेरे जैसे मूर्खों को दमन करने के लिए मैं हूँ। और ये समझ रहा था बात, ऐसे अपमानित शब्द उनको कहा जाए पब्लिकली, सांड जो होता ना गायों के अंदर वो हीरो होता है ना, और वो गायों के सामने उसको कोई अपमान करे, विल फील वेरी इंसल्टेड। तो उनके इतना अपमान हुआ, ओ ऐसे गुर्रा करके देखा कृष्ण की ओर, बोला अरे तू क्या समझ रखा है, तो कुछ भी नहीं मेरे सामने, और विशाल रूप था, कृष्ण थे 5-6 साल के बालक लड़के, और वो इतने विशाल रूप था, देवता लोग भय करते थे उनको। ऐसे गाली दे करके कृष्ण बोले, तो इतने गुस्सा हुआ, गुस्सा हो करके आया मारने के लिए, जैसे इंद्र ने वज्र फेंक रहा है, तो ऐसे वज्र तुल्य आवाज करके, धूल उड़ा करके, भयानक फुतकार करके, चिंगाड़ करके आया, आकर कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण ऐसे खड़े थे, ऐसे करके एक लड़के के कंधे पर आते, ऐसे नॉर्मल, कुछ नहीं, डर नहीं, कुछ नहीं, इसे खड़े थे। बाकी लड़के डर रहे थे, अरे तू इसे खड़ा है, इतने भयानक आ रहे, क्या करेगा। बाकी जो गोप वगैरह थे वो सब आंख बंद कर दिए, बोले गया लाला तो गया, देखा नहीं जा सकता उनमें, कैसे इतने जोर से तेजी आ रहा है, वो इसे खड़ा है। जैसे तेजी से आया, भगवान ने झट से अपने हाथ चुकान उठा लिए, और सिंह दोनों सिंह पकड़ लिए, उनको सिंह को पकड़ करके उसको धकेल के, वो इतने विशाल था, फुल फोर्स ऐसे करके आया मुंह नीचे करके, भगवान ने उसको दोनों सिंह पकड़ दिए। भगवान हाइट में छोटे थे, वो मुंह नीचे किया था, मतलब उखाड़ के उठा के फेंक देगा, ऐसे आया था। तो भगवान दोनों सिंह की पकड़ करके पीछे धकेले उसको, उनका फोर्स था, मतलब बड़े बड़े लोडेड ट्रक को भी, 12-20 चक्के ट्रक को भी उठाकर फेंक देता, इतने पावर था उसका। लेकिन भगवान ने छोटे बालक रूप में उनके दो हन को पकड़ करके पीछे धकेले, इतने जोर से धक्का दिए, वो नहीं जा रहा था, वो इसे कर रहा था, अपने 4 चक्का था ना उसका, बिल्कुल ब्रेक लगा करके भगवान को रोकना चाह रहा था, लेकिन इतने जोर से भगवान फोर्स किए तो पीछे गया बैक गियर में, बिना गियर में, बैक गियर नहीं था, गियर फ्रंट का था, गाड़ी फ्रंट गियर में था, लेकिन चला बैक, अब गियर फेल हो गया, गरारी फरारी सब गया उसका। फ्रंट गियर में और पूरे फुल इसमें था एक्सीलेटर में, वो गाड़ी पीछे जाए, समझ लो आपने जैसे होगा, है ना, नहीं जो गाड़ी चलाते हैं आप सोच लो।
और लेकिन गाड़ी पीछे जा रहा है, वो कौन सा गाड़ी, ये इंडिया मेड गाड़ी नहीं, मर्सिडीज गाड़ी। हाँ वो गाड़ी लेकिन वो फुल एक्सीलेटर में फ्रंट गियर में है, लेकिन पीछे जा रहा है गाड़ी, समझा नहीं जा रहा है वो गाड़ी ड्राइवर क्या सोचे, सांड को समझ नहीं आ रहा था पीछे, बिल्कुल पूरी ताकत ला था लेकिन इतने जोर से धकेला जा रहा था, वो तो पूछ उठा करके गोबर और गोमूत्र पास कर रहा था, चलो वो जो भी कम से कम गाय के रूप में तो था। अब पीछे दोनों गेट उनका ओपन हो गया था और इतने जोर से बोलते हैं कि लगभग 20-25 फीट 18 हाथ उसको पीछे धकेल दिए, 18 हाथ पीछे दे करके करके इसे फेंक दिए, इतने जोर से धक्का मारा गया उनको, वो बेचारा पीठ के बल पर लेट गया, पीठ के बल पर पड़ा, बिल्कुल चारों चक्का ऊपर, चारों पैर ऊपर हो गया, दम करके पड़ा, उनको तो आंख अंधकार निकल गया उसका, कौन ऐसा बालक ही कौन निकला ऐसा, मेरे कैरियर में फर्स्ट टाइम किसी को देखा, ब्याह गियर में गाड़ी जा रहा है, फ्रंट गियर है। बिल्कुल उनका बोला कि गियर फेल हो गया तो काम करेगा नहीं गाड़ी, इंजन सीज करवा दिया उनका, बिल्कुल चार पैर ऊपर करके पीठ की बल पर लेट करके गिरा, इतने आवाज करके कुछ समय तो पड़ा उस अंधकार हो गया, उठने की ताकत नहीं लगा, भगवान ने आकर के फिर अपने सखा के कंधे पर हाथ देकर खड़े हो गए, लेकिन विशाल असुर था, कुछ समय तक तो उनको 2-5 मिनट तो उनको चक्कर आ गया, लेकिन फिर पैर वे करके साइड ले करके फिर उठ गया, खड़ा हो गया, इतने क्रोधित हो गया, बोला दिस फेलो ये क्या मुझे समझ रहा है, इस बार तो प्रचंड क्रोध में था, प्रचंड क्रोध में क्रोधित हो करके बोला फाइनल एक्शन लेना है, इतने गुस्सा में आया, इस बार तो सब बोले, जब जैसे गिर गया जितने गोप सखाए थे भगवान के ग्वाले साथी सब ताली बजाए, वाह वेल डन, अब बताओ किसी को ऐसे सामने ऐसे कर दो उनको और बेज्जती नहीं हो जाएगी, उसको पूरा बेज्जित हो गया, और सारे गांव लाखे गायों के बीच में उनको ऐसे बेज्जित करके चार चक्का ऊपर करके पीछे फेंक दी, उठा करके पीछे नकल करके और ताली बजाए, और तो इतने अपमानित तो इतने क्रोधित हो करके पूर्ण वेग से दोबारा आया, इस बार तो ऐसे आया जैसे उनका आंख से रक्त निकल रहा, इतने रक्त चक्षु लाल, इतने क्रोधित था, नाक से बिल्कुल गर्म हवा फुत्कार जैसे चल रहा था, बिल्कुल तेजी से फुत्कार शब्द हो रहा था, चिधाड़ रहा था जैसे बोलते ना, इतने भयंकर आवाज कर रहा था कि धरती कांप रहा था, और इतने जोर से मिट्टी को उड़ा करके बिल्कुल खोद करके इतने तेजी से भयानक, जैसे कोई लड़ाई करने पोज लेकर आते ना ऐसे ताल ठोक करके ऐसे करके ऐसे करके, बैल है वो क्या सांड है वो तो ऐसे नहीं कर सकता, वो ये सब करेगा एक्शन, हाँ हाँ ये सब चिंधाड़ेगा, सांस लेगा, मिट्टी गुड़ाएगा, कुछ मुंह नीचे करेगा, ऐसे जो सब करना है उनका एक्शन सारे कर डाला, सारे एक्शन करके फुल फेज हो रहा है कि दिस इज फाइनल डन। अब तो इस बार आया, जब इस बार आया सब सके लोग बोले अब क्या करेगा पता नहीं, इतना बहुत क्रोधित होकर आ रहा है, भगवान बोले अब चिंता मत करो बहुत हो गया, मुझे भी डिनर के टाइम हो रहा है, मैं रो रहा है देख करके अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इस बार जो असुर आया पूरी ताकत से अटैक करने के लिए भगवान ने पकड़ लिया, पकड़ करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे आप गामछा पहन के स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद कपड़ा बदलते हैं गामछा को निचोड़ देना, निचोड़े दोनों सिंह को पकड़ कर अमेठे में निचोड़े उसको, जैसे ठीक गीला गामछा को निचोड़ देना वैसे निचोड़े इसे घुमाए, बताओ अरे उसका सर है वो, और दोनों को पकड़ कर दोनों सिंह को 2-3 राउंड घुमा दिए 360 डिग्री, समझ है ना कैसे होता है, अभी आपके सर को कोई पकड़ करके 2-5 राउंड ऐसे घुमा दे क्या हो जाएगा आपका, अरे आप कैसे भी सर घुमाओ यहां तक जाएगा, पूरा घूमेगा क्या, मर जाएंगे, टूट जाएगा, भगवान ने पूरा राउंड 4 बार घुमा दिए, और उनका गला हमारे जैसा गला तो था नहीं, कंठी बांध दे, इतने बड़ा सांड था ये हाथ भी नहीं लगे, इतने बड़ा गला, इतने पुष्ट पुष्ट इतने बड़ा गला था उसका, जो क्या भाव बोलते हैं गला ही बोलते हैं ना, इतने पुष्ट पुष्ट गला था, इतने हाथ भी नहीं लगेगा बड़े लोगों का, लेकिन उसको होगा ना गमछा के निचोड़े की तरह मोड़ डाल, 4-5 राउंड लगा दिए उसको,
सिंह पकड़ करके, वो तो बिल्कुल जो हड्डी पसली था सो पाउडर हो गया उसका अंदर। अब कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, लेकिन अब वो तो बिल्कुल उनका नाक से मुख से रक्त उगल पड़ा, और इसे गमछा मुड़ने की तरह मुड़ गए उसको सबके सामने। वो तो चिल्लाते गया मुड़ करके, मोड़ माड़ करके उसको डाल दिए, तो मुड़ते ही 4-5 मिनट में मर गया था, उन्होंने गला बिल्कुल उसका राउंड हो गया, मुड़ गया गले को मोड़ करके मार दिए, लेकिन फिर भी उस पूछ और पैर वो छटपटा रहा था। तो भगवान ने फिर पैर लगाए उसके कपोल पर और उसका सिंह, विशाल सिंह था, खींच लिए सिंह उखाड़े, विशाल सिंह था, उसको उठा कर उसके पीटे, पीठ पाट करके लात मार के उसको वहीं पर खत्म कर दिए। इतने जोर से सिंह उखाड़ दिए, इतने जोर से होश पाइप की तरह ब्लड निकला, खूब ब्लड था उसके अंदर, ब्लड निकला बिल्कुल, ब्लड से लथपथ हो गया, लथपथ हो करके उसको मार खत्म करके फिर आए डिनर लेने के लिए घर में आए, और खा पी करके, और फागुन चैत का दिन था, गर्मी होता ना, तब इलेक्ट्रिफिकेशन था नहीं, तो ए सी फिस घर में था नहीं, कूलर फूलर था नहीं, तो बोले चलिए अब चैत्र पूर्णिमा है, तो रास के लिए भगवान ने गए गोपियों से मिलने के लिए, गोपियों से मिलने के लिए गए। तो क्या हुआ इसको, यद्यपि भागवत के 10वें स्कंद के 36वां अध्याय में ये अरिष्टासुर बद्ध का उल्लेख है, लेकिन इस उल्लेख के बाद में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुराणों से 20 श्लोक उद्धृत किए हैं, जिनमें श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर बद्ध किया जाने के बाद राधा तथा श्री कृष्ण के मध्य हुई परिहास वार्ता का वर्णन है। ये भागवत ने लिखा, चक्रवर्ती पाद ने पुराण से उल्लेख किए हैं, राधा कृष्ण के कैसे बात हो रहा है अरिष्टासुर बद्ध के बाद में, ये परिहास वार्ता का वर्णन है। इस वार्ता में जिसे आचार्य ने बड़ी कृपा पूर्वक उद्धृत किया है, राधा कुंड तथा श्याम कुंड की उत्पत्ति के विषय में वर्णन प्राप्त होता है, है ना, राधा कुंड की उत्पत्ति के वर्णन प्राप्त होता है। ये श्लोक निम्नवत है, मास्मान प्रसाद्य ब्रुसमार्दन हंत मुग्धा घोरो सुरोयम अयि कृष्ण तदप्ययंगो ब्रूतो तथा द्विज इहास्त्ययपि निष्कृति किं शुद्धेत भवांग स्त्री भुवन स्थिति भूली भाली। जुवा गोपियों ने कहा, हे ब्रूस के हंता कृष्ण, अब आप हमें मत छुओ, ओहो यद्यपि अरिष्ट विकराल असुर था, किंतु था तो बैल ही, अतः तुम्हें उसी प्रकार प्रायश्चित करना होगा जिस प्रकार वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र ने किया था, इंद्र ने जैसे प्रायश्चित किया था इसे प्रायश्चित करना होगा, किंतु तुम तीनों लोकों में हर तीर्थस्थल में जाने का कष्ट उठाए बिना आपने आप को किस प्रकार शुद्ध करोगे। राधारणी आनंद पाटी उनको बोले, बोले तुम तो भाई हमको छू मत, तुम गोहत्या करके, हम गोहत्या कैसे किया, असुर को मार के आया। अरे भाई असुर, लेकिन था तो बैल के रूप में, बैल को मारा, भले असुर हो कुछ हो लेकिन बैल को तो मारा इतने हिसाब से, तो बैल के मारने के बाद भाई वो हत्या दोस्त लगता ही लगता है, अब हमको नहीं छू सकता, पापी पुरुष है, तो क्या करूं, नहीं प्रायश्चित करना पड़ेगा। इंद्र ने जैसे सब तीर्थ में स्नान करके पुत्र वध के ब्रह्म हत्या के दोष से प्रायश्चित किया था, ऐसे आपको प्रायश्चित करेगा, लेकिन अब कहां जाएगा, अब तो कोरोना सीजन चल रहा है, गाड़ी फ्लाइट नहीं चल रहा है, तो सब जगह कैसे ट्रैवलिंग करेगा, कैसे स्नान करेंगे। जैसे उनको बोले तो कैसे स्नान करेंगे, सब जगह जा करके कैसे जाएंगे। तो कृष्ण ने बोलते, किंग पर्यटामी भुवनान अधुनैव सर्वा आनीय तीर्थ वितति करवाणि तासु स्नानं विलोकयत तावदिदं मुकुंदः। भगवान बोले, किंग पर्यटन, बोले मुझे क्या जाने की जरूरत है, आप जैसे बोलते हैं क्यों, बोले मैं बुलाऊंगा वही आ जाएंगे, मैं क्यों जाऊंगा। कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे ब्रह्मांड भर में क्यों घूमूंगा, मैं असंख्य तीर्थ स्थलों को ही यही स्थल में बुला लाऊंगा, मैंने सबको तीर्थ को बुलाऊंगा वही आ जाएंगे, और उनमें स्नान कर लूंगा। बोले कैसे, बोला देखो अभी आपके सामने बुलाता हूँ। भगवान ने कल किए,
उनका बस नंबर था सबका। तो जैसे सबको कॉल किए ऐसे कहकर मुकुंद ने अपने एड़ी से, एड़ी समझता ना, एड़ी से इसे जमीन में प्रहार किया। प्रहार किया तो गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया और पाताल तो जलमिदं किल भोगवत्या आयत अत्र निखिला अपितीर्थ संगा आगच्छति ते भगवत् च साच इत्य तत्रैव रज्जु रथ कृष्ण उवाच गोपी। तब उन्होंने कहा यह रहा भगवती नदी का जल, ये भगवती गंगा आ गया देखो, ये पाताल क्षेत्र से आ गया है और अब ये तीर्थ स्थान आप सब यहीं आ जाइए। तब श्री भगवान ने ये शब्द कहे तो समस्त तीर्थ वहां पहुंच गए और उनके समक्ष प्रकट हुए। तब श्री कृष्ण गोपियों को इस प्रकार संबोधित किया। जब सारे तीर्थ लोग आए तीर्थानी पश्यत हरेर चसा तेवी तवीवं नैवं प्रतिम इति ताह अत तीर्थ वरिया। समस्त तीर्थों को जरा देखो, भगवान बोले देखो सब तीर्थ लोग आ गए। किंतु गोपियां ने उत्तर दिया तुम जैसा कह रहे हो ऐसा हम नहीं देख रहे। बोले हम तो नहीं देख रहे, पानी आ गया, कौन से तीर्थ हम किसे पहचानेंगे। तब जैसे भगवान बोले गेट इंट्रोड्यूस्ड, अब इसे आते हैं वो मानते नहीं, सब इंट्रोड्यूस हुआ अपने आपका, इंट्रोडक्शन दो। तब उन श्रेष्ठ तीर्थों ने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सब खड़े होकर अपना अपना इंट्रोड्यूशन, मैं लवण सागर हूँ, मैं खीर सागर हूँ, मैं अमर दीर्घ का हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं जमुना हूँ, मैं नर्मदा हूँ, मैं सिंधु हूँ, मैं तापी हूँ, मैं कावरी हूँ, पयस्वनी तपस्विनी, सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगे और प्रणाम करके गए। सब गए, मैं सोर्ण नदी हूँ, मैं सिंधु नदी हूँ, मैं ताम्रपर्णी हूँ, मैं पुष्कर तीर्थ हूँ, मैं सरस्वती नदी हूँ, और हम है गोदावरी, हम जमुना है, रेवा नदी है तथा प्रयाग स्थित नदियां के संगम के, जरा हमारे जल को तो देखो। सब नदी अपने आप के इंट्रोडक्शन दे करके अपना बता रहे थे। स्नात्वा ततो हरि प्रिय जल एवं, तब स्नान द्वारा शुद्ध हो लेने के बाद भगवान श्री हरि तो सबको बोले कि देखो सब आ गए ना, अब मैं स्नान करता हूँ, सारे तीर्थ को जाना, सारे तीर्थ ही आ गए, मैं यही स्नान कर लेता हूँ। तो भगवान स्नान किए, स्नान करने के बाद श्री हरि एकदम अकड़ बन गए और उन्होंने कहा मैंने विभिन्न तीर्थ वाले एक सरोवर का निर्माण कर दिया, किंतु तुम गोपियों ने इस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक भी धार्मिक कृत्य नहीं किया। बोले मैं तो कितने कुंड बनाए आपके सामने, इतने तीर्थ कुंड बनाया, लेकिन आप गोपियां ने कुछ नहीं किया। बोले आप गोपियां ने इस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कोई एक भी धार्मिक कृत्य नहीं किया। तब श्रीमती राधिका ने अपनी सखियों को इस प्रकार से संबोधित किया। जैसे इसे कहे तो राधारानी इसको उसको सहन नहीं हुई, ये सारे गोपियों गए गेट टूगेदर। मैं इससे भी अधिक सुंदर कुंड बनाऊंगी। भले हम आपका कुंड, आप इतने आपका अहंकार है, हम अपना कुंड बनाएंगी, हम आपका कुंड में नहीं जाएंगे, इससे भी अधिक सुंदर सरोवर बना दूंगी, अतः तुम लोग चलकर कार्य शुरू करो। सारे गोपियों करोड़ों संख्या में उनके पहली गोपी थे, उनको ऑर्डर दिया अब सो काम करो, यहाँ कुंड बनाना है। इन शब्दों को सुनकर गोपियों ने देखा कि अरिष्टा स्वरूप खुरो से कृष्ण कुंड के पश्चिम में एक गड्ढा बना हुआ है। अरिष्टासुर जहाँ लड़ाई हुआ था, इसके पता चलता है कि अरिष्ट जहाँ मरा था वहीं पर ये राधा कुंड कृष्ण कुंड बना था। इसी प्रमाण होता है कि जो गर्त था वृषभदेत खुरे बेलो की, जो वृषभ था उसके खुर से जो जोर से खुदाई किया था डरने से पहले, वही जो गड्ढा था वही गड्ढा, इसी को बोलते हैं। तो अरिष्टासुर के खुरों से कृष्ण कुंड के पश्चिम भाग में एक गड्ढा बना हुआ था। वहीं निकट में समस्त गोपियां ने अपने हाथ से, अपने पास तो कोई जैसे भी तो था नहीं कि कोई खोदने वाला, तो क्या बोलते हैं आप लोग खोदते हैं जिसमें, सावल, कस्सी, कुदाली, खुरपी, अरे कुआं बनाने के लिए कुदाल खुरपी में कुआं बनेगा, सावल हो सर, लेकिन सावल गेती तो बस था ही नहीं गोपियों के पास में।
तो कैसे खोदेंगे, एक गड्ढा थोड़ा खुर से सांड के खुर से थोड़ा गड्ढा बन गया था, कुंड बनाए तो खुदाई तो करना पड़ेगा। कृष्ण का तो एड़ी दबा कर स्त्रियां कैसे करेंगी, उनका इतने पावर है नहीं। तो क्या किया उन्होंने, सारे गोपियां मिल करके अपने हाथ से कंकड़ निकाली। कंकड़ समझते ना, आजकल तो चूड़ी ये तो पहनते नहीं, आजकल तो पहनते क्या करेंगे, टूट जाएगा। तो उनका सोने चांदी के होता था बड़े बैंगल, तो कंकड़ निकाल करके उसमें खोदने लगे। गोपियों ने अपने हाथ से उन लोगों को कुदरना कुरेदना शुरू कर दी, और इस प्रकार एक घंटे से थोड़े से समय में एक दिव्य कुंड प्रकट कर दिए। इतने गोपी थे, सब अपने कंकड़ में खोद खोद करके कुंड बना दिए, प्रकट हो गया। उनके द्वारा बनाए गए इस सरोवर को देखकर भगवान श्री कृष्ण चकित हो गए। कृष्ण बोले आप भी बना दिए यार। तो उन्होंने कहा, हे कमल नयनी आगे बढ़ो, तुम तथा तुम्हारी सखियां इस तालाब को मेरे तालाब से जल से भर लो, क्योंकि उन्होंने खुदाई तो कर दिए, पानी कहाँ से लाएंगे। उनके तो सारे तीर्थ को बुलाया थे, पानी तो नहीं, तो बोले खुदाई तो करते पानी कहाँ से, बोले पानी भी हम नहीं लेंगे, हम पानी लगाते। तो उस मटका ले करके मानसी गंगा से लाइन करके पानी ला करके भरे, है ना, ये पूरा चैन सिस्टम किए थे तभी भी। एक लाइन से खाली मटका जाएगा, एक लाइन से भरा मटका आएगा, करोड़ों संख्या में थे लग गए। आप लोग को बोलेंगे मानसी गंगा एक लोटा पानी लाओ लाएंगे राधा कुंड से, राधा कुंड से मानसी गंगा आप चल कर गए ना, कितने किलोमीटर होगा, कम से कम 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर से बिना मटर बिटा बिना पाइप में पानी लेकर आ रहे थे कुंड को भरने के लिए। बताओ कुंड को भरने के लिए कितने मटका इकट्ठा किए होंगे, और वहां से मटका भर भरे, मटका से पानी लाकर कुंड भरेगा, एक बात होता है। काम कर करके थक गए, बोले ये नहीं काम बनता है। लेकिन पानी कुछ भर दिए थे उन्होंने तो, लेकिन बोले ये क्या पानी होगा। तो फिर कृष्ण ने बोले ठीक है ठीक है, हम बहुत परिश्रम कर लिए, ये सब करो, हमारा कुंड से पानी ले लो, आपका कुंड भर जाएगा, हमारा कुंड से पानी ले लो। लेकिन राधा रानी ने उत्तर दिया, ना 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 ये असंभव है, क्योंकि तुम्हारे तालाब का जल गोबद्ध का भीषण पाप से दूषित है, हम ये जल नहीं लेंगे। तो मैं अपनी असंख्य गोपियों की सहेली ऐसे सकड़ों घड़े में भर कर मानसी गंगा का शुद्ध जल यहाँ मंगाऊंगी, इस प्रकार मैं अपने जल से इस तालाब को भरूंगी और इससे पूर्ण जगत में अप्रतिम प्रसिद्ध बना दूंगी। इस प्रकार प्रसिद्ध करने के लिए राधा रानी अपने प्रयास जारी की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस दैवी पुरुष को इंगित किया जो समस्त तीर्थों का अंतरंग था। उस व्यक्ति सहसा कृष्ण कुंड से उठकर खड़ा हुआ और उसने श्री विश्वभावन की पुत्री राधा रानी को नमस्कार किया, फिर दोनों हाथ जोड़ करके आंखों से अश्रु लुढ़काते हुए उसने स्तुति करना प्रारंभ किया। तो भगवान ने देखे कि मेरे बात नहीं मानती है, वो मानसी गंगा से मटका से पानी लाकर कुंड भरना चाहती, तो भगवान ने इशारा किए, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था सारे तीर्थों का जो हेड था मुखिया था, उनको बोले जा करके बनाओ किसी भी। तो जो मुखिया तीर्थों का मुखिया था वो जा करके रो रो करके राधा रानी की चरण पकड़ी, चरण पकड़े हाथ जोड़ करके आंखें में आंसू लुढ़का करके अब स्तुति प्रारंभ कर दी। हे देवी, समस्त शास्त्रों के वेत्ता ब्रह्मा जी तक आपकी महिमा को नहीं समझ पाई, नहीं समझ पाते, ना ही शिव जी या लक्ष्मी जी, समस्त मानवीय उद्योग के चरम लक्ष्य केवल भगवान श्री कृष्ण ही उसे समझ सकते हैं। और जब आप थक कर अपने पसीने को धो देती हैं तो वे अपने आप की कृतकृत्य मानते हैं। तो बोलते हैं कि कृष्ण जब थक जाते हैं आप उनको सेवा करते हैं तो कृतकृत्य हो जाते हैं। सारे जगत के परम लक्ष्य हैं कृष्ण, और कृष्ण कंट्रोल बाय यू, आप कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। मैं आपके चरण कमल को सदैव अमृतमय चारु तथा यावक से लेपित करते रहते हैं। ये बता रहे हैं वो तीर्थ के जो पुरोहित कहते हैं, वे मतलब कृष्ण, कृष्ण आपके चरण कमल को सदैव अमृतमय चारु तथा जावक से लेपित करते हैं। जावक जानते हैं किसे बोलते हैं, हिंदी वाले नहीं जानते, जावक मतलब अलता, अलता समझते ना,
लाल लाल कलर के होता है ना लिक्विड, स्त्रियां लगाते ना पैर के, गेरू थोड़ी बोलते जावक, ये नहीं लगाते प्रभु जी सही में। ये गोपियां, गोपियां कौन सा थे, गोपियां कहाँ के थे, गोपियां बिहारी थी क्या? आलता आलता गोपियां लगाते हैं। तो आप लोग को माता जी अलता नहीं जानते, जानते बोलते हैं। लाल कलर के लिक्विड होता है जो शादी फादी करते हैं लगाते हैं, बोले तुम लोग, तो उसका नाम है जावक। आप जब नंदगांव जाते समय, गांव है जावक वन, जावक गांव, जावड़ जिसको बोलते हैं, वो इसी जावक से बना है। जो राधारण के ससुराल है ना चटिला कुटिला, उनका गांव है जावक, जावक ग्राम बोलते हैं उसको, जावक बोलते हैं अलता को, लाल अलता। तो वो तीर्थ आकर के राधारण की स्तुति करके बोलते हैं, बोलते हैं, हे देवी कृष्ण, कृष्ण ने आपके चरण कमल को सदैव, आपने अमृत में चारु कमल कर कमल से जावक से लिपित करते हैं, मतलब अलता लगाते हैं। कृष्ण राधारानी के चरण को पकड़ करके उसमें अलता लगाती है, लगाते हैं, अलता लिपित कर लिपित करते हैं, और इन्हें घुंघरू से सजाते हैं, फिर घुंघरू बांधते हैं कृष्ण ने राधारानी के पैर में घुंघरू बांधते हैं, और आपके चरण कमल की अंगुलिया के अग्रभाग को पुष्ट करके हर्ष का अनुभव करते हैं। पुष्ट करना मतलब अंगुली फुटाना, जानते ना इसे, कड़क होता। तो राधारानी के चरण के अंगुली को कृष्ण ने मसाज कर फुटाते ही बताते हैं उन्हें, और बहुत हर्षित होते हैं कृष्ण राधारानी के चरण मसाज करके, अंगुली की फटका करके हर्षित अनुभव करते हैं, और आपने आपको परम धन्य मानते हैं कृष्ण, आपने आपको परम धन्य मानते हैं। उन्हीं की आज्ञा से हम इस सर्वोत्तम कुंड में रहने तुरंत आए हैं, जिसे उन्होंने अपनी एड़ी के प्रहार से उत्पन्न कर दिया था, किंतु यदि आप हम पर प्रसन्न हो जाएं और अपनी कृपा दृष्टि डालें तो हमारा इच्छा रूपी वृक्ष फलित हो सकता है। बोले हम चाहते हैं, कृष्ण ने हमको बुलाया थे लेकिन हम आपके भी कुंड में आना चाहते हैं, प्लीज हमारा कृपा दृष्टि कीजिए। तो इस प्रकार के स्तुति सुन करके समस्त तीर्थों की सभा के सभापति, इस प्रकार की स्तुति सुन करके राधा जी प्रसन्न हो गई और बोली, तुम कृपया अपनी इच्छा कह सुना, तुम क्या चाहते हो बताओ, क्या चाहते हो तुम्हें। तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हमारा जीवन तभी धन्य होगा जब हम आपके कुंड में आ सकें, यही वर हमको चाहिए, हमको वरदान दीजिए, हम आपके कुंड में भी प्रवेश करें। आगच्छति वृषभानुसुता स्मितस्या प्रवाच। तो वृषभानुसुता राधिका ने हंस हंस कर बोली, बोले ठीक है आओ, आपने प्रियतम को अपनी आंखों की कोरों से देखते हुए मुस्कुराकर उत्तर दिया, कृपया आप आए, उनकी सारी सखियां उनके निर्णय के मान गई और आनंद मग्न हो गई, निसंदेह समस्त चर तथा अचर प्राणियों के सौहार्द बढ़ाए। तो सारे तीर्थ राधारानी पर आए, सब प्रसन्न हो गए, सारे इस कुंड में भी वही पानी आ गए, इसलिए देखा ना संगम में वो पानी यहाँ पे भी आया है। इस प्रकार श्रीमती राधारानी की कृपा का प्रसाद मानकर कृष्ण कुंड में स्थित पवित्र नदियां तथा सरोवरों ने सीमा की दीवार को बलपूर्वक तोड़ दी और तेजी से अपने जल से राधा कुंड के तालाब को भर दिया, जो बीच में था ना सीमा को तोड़ करके यहां प्रवेश कर गए और जल से भर दिए। तब भगवान श्री हरि बोले, हे राधा, तुम्हारा यह कुंड संपूर्ण विश्व में मेरे कुंड से भी अधिक विख्यात हो। भगवान वरदान बोले, मेरे कुंड से भी और जितने संसार में तीर्थ है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो, विख्यात हो जाए। मैं यहाँ पर नित्य ही स्नान करने और रासलीला करने आया करूंगा। मेरे केवल प्रखर ने, मैं डेली यहाँ आऊंगा स्नान करने के लिए और रास रचाने के लिए। निसंदेह यह सरोवर तुम्हारे समान ही मुझे प्रिय है, और ये जो सरोवर कुंड है, तुम जैसे मुझे प्रिय हो, एक कुंड भी मुझे इतना ही प्रिय होगा। तब राधा ने उत्तर दिया,
मैं भी आपके कुंड में स्नान करने आया करूंगी, आप मेरे कुंड में डेली आएंगे तो मैं भी आपके कुंड में डेली आऊंगी स्नान करने के लिए आया करूंगी। भले ही आप यहाँ पर सकड़ो अरिष्टासुर को बद्ध क्यों ना करें, भविष्य में अरिष्टासुर को दंड दिए गए स्थान पर स्थित इस सरोवर में जिस किसी को उत्कट भक्ति होगी और जो भी इससे स्नान करेगा या उसके निकट निवास करेगा वह निश्चय ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। भले कोई सकड़ो अरिष्टासुर को हत्या करे, कुछ भी करे, अगर ये कुंड से कोई स्नान करे, राधारानी के आशीर्वाद। राधारानी कहती है, राधा ने उत्तर दिया, मैं भी आपके कुंड में स्नान करने आया करूंगी नित्य। भले ही आप यहाँ पर सकड़ो अरिष्टासुर का वध क्यों ना करे, भविष्य में, वो तो उस समय बोले भविष्य में, आगे वाले आप लोगों के लिए, भविष्य में अरिष्टासुर को दंड दिए गए स्थान पर, मतलब जिस स्थान पर कुंड बने, इस स्थान पर ये जो सरोवर में, ये कुंड में जिस किसी को उत्कट भक्ति होगी, किसी को भी उत्कट भक्ति होगी, कोई भी ये कुंड में आएंगे उनको उत्कट भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और इसमें जो स्नान करेगा या उनके निकट वास करेगा उसको निश्चय ही वो मेरा अत्यंत प्रिय होगा। ये राधा रानी की बात। अतः भगवान श्री कृष्ण ने राधा कुंड पर दास नृत्य प्रारंभ किया, जिससे आनंद की धारा उमड़ पड़ी। श्री कृष्ण बादल के समान लग रहे थे और श्रीमती राधारानी बिजली के तेज की चमक के सदृश थी, जो अपने प्रभुत सौंदर्य से आकाश को पूरित कर रही थी। इस प्रकार उनकी दैवी महिमा तीनों लोक में व्याप्त हो गई। इस प्रकार इस कुंड का, कृष्ण कुंड और राधा कुंड का प्राप्त हुआ था। और आप रूप गोस्वामी की रचित उपदेशामृत पढ़ेंगे, उनका जो लास्ट तीन श्लोक है 9, 10 और 11, उसमें कुंड का महिमा बताते हैं। पहले 9 नंबर श्लोक तो ये बताएंगे कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में सबसे हायरार्की में सबसे टॉपमोस्ट प्लेस्ड है वही। फिर 10 नंबर श्लोक में बोलेंगे कि गोपियां ही, राधारानी सबसे श्रेष्ठ है, उनकी श्रेष्ठता कर्म से लेकर बड़ा। फिर कुंड के स्नान के महत्व गोस्वामी भी उपदेश में ही बताते हैं, लेकिन ये निश्चित है हम बोलेंगे कि ये हम रूप गोस्वामी उपदेश के अमृत में ही बताए, उपदेश किए हैं सबके लिए हम स्नान करने के लिए, लेकिन हम मना करते हैं स्नान करने के लिए, नहीं स्नान कर सकते हैं। ये श्लोक 9 नंबर 10 नंबर श्लोक में बताया, उसके पहले भी 8 श्लोक है, उसको तो पहले कर लो, है ना, नहीं तभी स्नान कर सकते हैं। पहले श्लोक बताया ना उपदेश अमृत का क्या है, उसमें 2-4 तो कर लो, है ना, नहीं एतान वेगान ये विषय तो धीरा, एतान वेगान है, एक आध दो कर लो यार। तार मध्य जिभाती और ताके जीता कठिन संसारे। तो उसको पहले कंट्रोल करो, तब जाकर राधा अपने स्नान कर सकते। ये तो 9वां स्टेप है, पहला स्टेप को तो पहले करो, है ना, नहीं तो इसलिए, नहीं तो इसमें राधारानी के वरदान, कृष्ण के वरदान है, जो एक बार यहाँ आ जाए, आके प्रणाम कर ले, स्नान कर ले, तो उसको उत्कट भक्ति प्राप्त हो जाए। हमको उत्कट क्या, कट भी नहीं हुआ, है ना, आज ही गए थे, आज ही हुआ, कुछ हुआ क्या, आके सो गए, क्लास में नहीं आ पा, भक्ति क्या, क्यों, क्योंकि ऐसे होगा नहीं, क्योंकि सिक्वेंस है, कि जैसे एक से लेकर के 9वां तक जाके बताए, ये जो 8 स्टेप जाएंगे तब 9 स्टेप में वो स्थिति आएगा, जो पहला स्टेप ही हम सब मरे, वाचो वेगं, मन क्रोध वेगं, जीवा वेगं, उदर वेगं, उपस्त वेगं, बाप रे बाप, 6 वेग है, इसमें 1 या 2 अगर कर ले तब बाजी मार जाए, 6 को 6 हो जाए तो फिर तो गोस्वामी हो जाए, है ना, 6 गोस्वामी हो जाएंगे एक बार। तो इस प्रकार सभी दृष्टि से राधा कुंड जो है बहुत ही महिमामय स्थान है। अगर कोई सचमुच भक्ति कृत भाव में वहाँ भजन करें और साधन करें तो उसका फल तो है ही है। और साधन भजन करने के लिए इंद्रिय संयम आदि का, जैसे गोस्वामी ने जो उपदेश किए, इस प्रकार करना है। इस प्रकार करके जो भजन करना चाहे, भजन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट जागा वही है, क्योंकि भगवान राधा कृष्ण के ये नित्य लीला विहार स्थली है,
उनके सबसे प्रिय स्थली था, लेकिन कलयुग के कारण अभी अवस्था ऐसा हो गया है। अब लेकिन फिर भी भले हम सबका नेत्र अभी भौतिक दृष्टि है, भौतिक नेत्र है, चर्म चक्षु है, हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इसका दिव्यता अभी भी है, नित्य रहेगा। लेकिन हम जैसे मूर्ख मैटेरियल मान केवल भौतिक चक्षु विशिष्ट, भौतिक बुद्धि विशिष्ट हैं, हम उनको समझ नहीं पाते हैं, ये चिन्मय स्तर को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर कोई अभ्यास करे, चिद अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसको प्रैक्टिस करे, चिद अभ्यास करें, तो इस जन्म में नहीं कई जन्म लग जाएगा, जब हम इस स्तर में आ जाएंगे समझने, तब लगेगा कि कितने उच्च स्तर की जगह है। यहाँ तक ब्रह्मा नारद शिव तक दूर से प्रणाम करते हैं, बाप रे बाप, और हम चले जाते हैं ऑटो में चढ़ करके, स्नान करके आ जाते, क्या हो जाएगा, ऑटो फेयर केवल जाएगा, धन हानि प्राण पीड़ा, हमारा कहावत है, यही तो फल, यही फल होगा, धन कुछ कुछ पैसा खर्च होगा और बड़ी शरीर में कुछ पेन होगा, बस यही होगा, यही हुआ ये मिलेगा, बाकी कृष्ण प्रेम मिलना पता नहीं, यही मिलेगा है ना। नहीं लेकिन फिर भी हम देखते हैं कितने लोग भीड़, कितना के किसको करते हैं, ऐसा सही करते हैं, और जो पहले के स्टेप ना करके वैसे करेंगे तो कैसे हो। हाँ, हम जैसे बताएंगे कि यहाँ देसी गाय के प्योर दूध मिलता है, ले लो, और आपके पास कोई कंटेनर, आप लो मुझे हमको दूध दे दो, 2 लीटर कैसे लेके ना, पकड़ में दे दो, कोई देगा आप, तो ऐसे है। अरे यहाँ तो ऐसे ओपनली फ्रीली राधा कुंड एरिया में भक्ति मिलता है, लेकिन हमारे पास पात्र ही नहीं है, हमारे पास पात्रता ही नहीं है, लेंगे कैसे, तो जाकर फायदा क्या। पहले आपने आपको पात्रता बनाओ, तब वहां तो भर जाएगा, जाते ही भर जाएगा, लेकिन पहले तो लाएंगे कैसे, आपको पास कोई जगह ही नहीं है, पात्र बनाओ। तो पात्र बनाने के लिए उपदेश अमृत के जो पहले श्लोक सब हैं, पहले 4-5 श्लोक उसी को प्रैक्टिस करना होगा। तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमारा पात्रता होगा, फिर राधा कुंड के पास जाएंगे, फिर भक्ति अपने आप भर जाएगा, क्योंकि राधा रानी की कृपा नित्य यहाँ विराजमान है, और कृष्ण इतनी प्रसन्न है इस जगह पर, तो कोई भी जाएगा उसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन आपने आपको पहले उस रिसीव करने के लिए रिसीवर लगा करके जाओ, है ना। आप समझ सकते हैं, अभी भी आकाशवाणी मथुरा काम करता ना, नहीं, लेकिन हमको सुनाई नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ कोई अगर ट्रांसमीटर जिसका पास है वो लगाएगा, उसको सुनाई पड़ेगा, यहाँ नहीं सुनाई पड़ता, क्यों, उनका पास रिसीवर है, हमारे पास रिसीवर नहीं है, तो फिर मतलब, लेकिन वो तो है राधा जी की, कृष्ण की कृपा अभी भी फुल फ्लेज वहां राधा कुंड कृष्ण कुंड है, उसमें कोई कमी नहीं बोलेगा, अरे झूठा बन, झूठा नहीं है, फुल फ्लेज है, लेकिन आपके पास रिसीव करने का कहाँ है, रिसीवर लगाओ अभी आ जाएगा तुरंत फटाक से। तो रिसीवर लगाने के लिए ये 8 श्लोक है, इसको हम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और रेडियो फिर ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन तुरंत हो जाएगा, तब फिर बता दें क्या है ना। तो इसलिए आप लोग सुबह कार्तिक महीना में आज की तिथि बहुला अष्टमी सबसे पवित्र स्थिति, क्योंकि अहोई ऐसा तिथि हो ही नहीं सकती, अनहोनी में बताया ना, अहोई देवी, हाँ उसको दर्शन किए नहीं आपने, ऐसे स्नान करके आ गए, अहोई देवी का मंदिर वही है पास में, कभी दोबारा जाएंगे तो देखना अहोई देवी। तो ऐसे अनहोनी कुंड है, अनहोनी स्थिति, अनहोनी तिथि है, इसी तिथि में इस प्रकार आप लोग आए, जाने अनजाने में कम से कम जाकर तो स्नान तो कर लिए, अभी पता चला, अगले साल को फिर प्रयास करेंगे, थोड़ा हो हा कर करेंगे ओके तो ठीक है, आज ऐसे बहुलाष्टमी के हम यथाशक्ति प्रयास किए बोलने के लिए आपको, अष्टमी तिथि का महिमा। हरे कृष्ण, श्री राधा कुंड की, श्री श्याम कुंड की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि चमानंदे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।